हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हमारे ASRF स्टडी पर आपका स्वागत है। इस पे आपको करंट डेली मिलेगी। तो आज 22 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस, SI, लेखपाल, NTPC, ETC। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया? तो ये KBG बैंक है जो उसने शुरू किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जिसे KBGV ने सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया, जिनकी व्यवसायिक गतिविधियाँ COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 को मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में, अध्यक्ष इसके पी गोपी कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण को नियंत्रण करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये WCD मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, WCD क्या है? ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समझौते में देश में माताओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? तो ये HD देवगौड़ा हैं, उन्होंने ली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, HD देवगौड़ा ने 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट पॉइंट, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, जो ये निकल गया हमारा जो कल, उसको मनाया जाता है 21 सितंबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम करना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम सेपिंग प्लेस टुगेदर। सितंबर महीने कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2 सितंबर जापान पर विजय दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो भारत मनाया जाता है, 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है जो भारत मनाया जाता है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सामान्य वेतन दिवस मनाया जाता है, 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है जो कि आज है, 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस मनाया जाता है, 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है, 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के कौशल विकास निगम ने COVID-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है? तो ये तमिलनाडु ने की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कोर्सेरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान छात्र घर पर बैठे ही पढ़ाई कर सकेंगे। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कंगडम पार्टी से, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18, विधानसभा सीटें 234 हैं। फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये बिली जीन किंग के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस का पहला बड़ा वैश्विक टीम टूर्नामेंट होगा जो एक महिला के नाम पर रखा गया है। अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग को सम्मान देने के लिए फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग
कर दिया गया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र के आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? तो ये 2023 तक की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, डीबी सदानंद गौड़ा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसको पढ़ के जरूर जाएं। डीबी सदानंद गौड़ा केंद्रीय और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये कौन सी बन गई, विस्ट्रा बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, विस्ट्रा भारत की एयरलाइन कंपनी है। 2000 इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुड़गांव हरियाणा में है। अध्यक्ष इसके भास्कर भट्ट हैं। CEO हैं इसके लेस्ली थंग। पेरेंट कंपनी टाटा सन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया? तो 8.6% लगाया। फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1914 में हुई। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। CEO इसके हैं पॉल टेलर। GDP क्या है, जिसको GDP का फुलफॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वित्तीय संस्थान ने भारत के सुगुना फूडस के साथ $15 मिलियन के ऋण का समझौता किया? तो ये ADB के साथ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस समझौते में कुटकुट पालन के संचालन, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के बारे में चर्चा की गई है। सुगुना फडूस प्राइवेट लिमिटेड भारतीय बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनी है। मुख्यालय इसका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। अध्यक्ष इसके बी सौंदर्य राजन है। MD इसके GV सुधराजन है। ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। मुख्यालय इसका मनीला जो फिलीपींस में है। अध्यक्ष इसके मार सुगु असाकवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस कार्यक्रम के तहत उन लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा जो लोग राशन कार्ड से वंचित हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बनबिहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फैसल या सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है और ये 8 राज्य इस प्रकार हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बाला साहेब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना से पीड़ित लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए ₹30,000 दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। राज्य की पशु है गिलहरी। राज्य की पक्षी है कबूतर। राज्य की वृक्ष है आम। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं, विधानसभा सीटें 288 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC जिसे इसका मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये HDFC बैंक रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं, टॉप 3 बैंक हैं जो पहले नंबर पर HDFC है, दूसरे नंबर पर LIC है, तीसरे नंबर पर TCS है।
HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई, मुख्यालय इसका मुंबई है। अध्यक्ष इसके CM वासुदेव हैं, प्रबंधक निदेशक इसके आदित्य पुरी हैं, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन ले जाने वालों वाहनों में एम्बुलेंस का दर्जा दिया? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इस सेवा के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना और ऑक्सीजन सिलेंडरों को राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों तक पहुँचाना उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो ये लाइबेरिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बलात्कार की बढ़ती हजारों घटनाओं का विरोध होने के बाद लाइबेरिया देश ने यह कदम उठाया है। लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मोनरोविया है। राष्ट्रपति इसके जॉर्ज बाई हैं। करेंसी इसकी लाइबेरियाई डॉलर है। रिवीजन देख लेते हैं आज का, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया? तो ये KBG बैंक है जिसने किया है। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय से समझौता किया? तो ये WCD के साथ किया है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? ये HD देवगौड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कौशल विकास निगम ने COVID-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की? तो तमिलनाडु के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये बिली जीन किंग के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की? तो 2023 तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बिस्ट्रा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने % सुकड़ने का अनुमान लगाया? तो ये 8.6% लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्थान ने भारत के सुगुना फूड्स के साथ $15 मिलियन ऋण का समझौता किया? तो ये ADB के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाला साहेब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग 2020 में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? तो ये HDFC रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश के बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो ये लाइबेरिया है। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें प्लीज़। थैंक यू गाइज़।